पर बॉक्स किया और बॉक्स लेके सर इस तरह से हमने जब इसको क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसके सेगमेंट्स को हम लोगों ने बढ़ाए यहाँ से, और सेगमेंट्स को बढ़ाने के बाद सर यहाँ पर लाइक अभी ये 2017 वर्जन है तो 17 में थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि लास्ट टाइम आप जब हम लोग 15 या 16 चला रहे थे तो यहाँ पे जाके एच फेसिस कर दे रहे थे, वो चीज़ अगर आप नए सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा, डिफॉल्ट सेटिंग में जाके सर है वही, और लेकिन यहाँ पे एच फेसिस यहाँ से क्लिक करना है, इतना ही चाहिए। तो इस तरह से हम लोग की चेंजिंग थी तो हमने देखा, और उसके बाद अब हम लोग राइट क्लिक करके जब पढ़ते थे यहाँ पे कन्वर्ट टू पॉलीलाइन, ठीक है, ये पढ़ते थे तो हम लोगों ने बस ये देखा था कि किस तरह से हम लोग वर्टेक्स एज और इस पे लाइन, इसको 3-4 बार देखना पड़ेगा सर क्योंकि सारी मॉडिफिकेशन यहीं से होने वाली है। तो जैसे कि मैंने अभी वर्टेक्स लिया, ठीक है, और वर्टेक्स लेने के बाद सर जब हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं सेलेक्ट करने, देखिए इस तरह से सेलेक्ट हो रहा है एक एक करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो सर यहाँ पर लिखा हुआ प्रीव्यू सेलेक्शन, ठीक है, प्रीव्यू सेलेक्शन। प्रीव्यू सेलेक्शन में क्या होता है कि पहले से बता देता है कि आप सेलेक्ट क्या करने जा रहे हैं, जैसे आपने इसको ऑन कर लिया, अब आप जैसे आप यहाँ पर जाएंगे देखिए क्या हो रहा है, पॉइंट बन रहा है, आपको दिख रहा है क्या सर पॉइंट, ठीक है, यहाँ देखिए पॉइंट बन रहा है। अगर आप ये चीज़ यहाँ इसमें देखें तो और अच्छे समझ आएगा, पॉलीगॉन में, पॉलीगॉन में अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप चल रहे हैं तो क्या बता रही है कि यहाँ पर ये सिलेक्ट का होना है, ठीक है। और अगर इसमें सर मल्टी ले लिया आपने तो और भी अच्छे से आपको ये पीछे का भी रीड करके दिखाया गया, जैसे कि हम कह रहे हो ना आप ये देखिए उसके पीछे एक एज बनी हुई उस एज को भी हाईलाइट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मल्टी होता है और ये सब ऑब्जेक्ट और ये ऑफ, तो हम लोग इसको जनरली ऑफ करके रखते हैं जिससे हमें जो करना है कर लेंगे, बट अगर प्रीव्यू देखना है तो हम लोग यहाँ से प्रीव्यू को देखेंगे सर। अभी हमने इसको ऑफ कर दिया, तो अब जैसे कि मैं एडिट पॉलीगॉन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो एडिट पॉलीगॉन को थोड़ा सा डीप में जाएंगे, डीप में जब जाएंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे सर तो लिखा हुआ है सर सबसे पहला क्या है, इंसर्ट वर्टेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है सर, जैसे कि अभी यहाँ पर आपका लाइन है, ठीक है, तो अभी जैसे ये लाइन के पास आपको एक वर्टेक्स और चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर इंसर्ट वर्टेक्स होता है सर, जैसे आप इंसर्ट वर्टेक्स करेंगे मान लीजिए यहाँ पर चाहिए, ठीक है, तो आप जैसे क्लिक करेंगे देखिए क्या कर रही है, एक वर्टेक्स जनरेट कर दिया, ठीक है। आपको अगर यहाँ पर वर्टेक्स जनरेट करना है ये देखिए पूरा का पूरा इस पर वर्टेक्स जनरेट कर दिया सर, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ हमें वर्टेक्स चाहिए बस यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करके देखेंगे तो आपको नया नया व्यूज देता चला जाएगा, ठीक है, तो ये नए नए वर्टेक्स आपको ऐड करके दे देगा, दैट इज कॉल्ड इंसर्ट वर्टेक्स। यहाँ पर जो दूसरा है हमारे पास एक्सट्रूड, ठीक है, एक्सट्रूड भी बड़े काम की चीज़ होती है, लाइक आपने जैसे कि एक पॉलीगॉन को सेलेक्ट कर लिया इस तरह से, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक्सट्रूड पे जैसे क्लिक कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल एक्सट्रूड पे आप क्लिक करेंगे तो देखें क्या होगा, अब जैसे इस पर क्लिक करते जाएंगे जितना उठाना चाहेंगे आप ऐसे उठा, ठीक है, बट आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है कि कितना आप उठा रहे हो, ठीक है, तो फॉर पैरामीटर यू कैन जस्ट क्लिक ऑन टेबल, ठीक है, यहाँ पर टेबल होता है, लेकिन सेकंड से टेबल होती है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपको दिखता रहेगा कि आप कितना इसको हाइट देना चाहते हो, ठीक है, और उसके बाद आप इसको जितना चाहिए उतना देखें आपको। यहाँ पर सर दूसरा होता है इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट में लाइक सॉरी आउटलाइन, आउटलाइन में क्या होता है सर कि आउटलाइन में आउटर पे लाइन जैसे कभी इसकी सेलेक्ट है, ठीक है, और इस पर जैसे आप इसके आउटलाइन के कॉर्नर पर क्लिक करोगे तो देखिए क्या हो रहा है, ये अंदर की ओर गया, और भी जब इसको बढ़ाना भी स्टार्ट करोगे इस तरह से ये फैलता चला जाएगा, इस तरह से फैलता चला जाएगा, और ये चलने के बाद यहाँ पे यस कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, आउटलाइन पे क्लिक करके हम लोगों ने आउटलाइन को अपने देख लिया कि किस तरह से हमारा आउटलाइन फैलता चला जाएगा। और यहाँ पर सर होता है वेवल, वेवल बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कि आपने इस वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इस पर आपने वेवल कमांड चलाया, तो जैसे वेवल कमांड चलाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये अगर इसको इस तरह से जैसे बढ़ाना आप स्टार्ट करेंगे ना ये तुरंत तुरंत बढ़ता चला जाएगा जो वहाँ पर एरिया से, ठीक है। और ये जो ये है ये आपको इस तरह से जितना आपको चाहिए उतना आप आगे जाके, ठीक है, तो जैसे कोई पाइपलाइन बना रहे हैं एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो आप इसको खींच दीजिए, फिर वहाँ पर कनेक्ट करने के लिए जितनी स्पेसिंग चाहिए उस स्पेसिंग को यहाँ से एंटर कर दीजिए, ठीक है, तो इस तरह से पंप वगैरह भी बना सकते हैं आप। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आउटलाइन को किस तरह से वेवल का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सर इंसर्ट होता है, इंसर्ट भी बहुत ही अच्छी और काम की चीज़ है। यहाँ पर जैसे हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए क्या हो रहा है, ये एक लेयर छोड़ देता है आपके लिए, ठीक है। जैसे कि आप अभी देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे आप इतना छोड़ दिया लेयर, ठीक है, इतना लेयर छोड़ने के बाद अब यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड लगा दीजिए, ठीक है, तो एक्सट्रूड कमांड लगाया, एक्सट्रूड कमांड लगा के इसको इस तरह से दे दिया सर, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे इंसर्ट कमांड लगा दी, ठीक, और फिर जब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे इस तरह से एक्सट्रूड हो गया, और फिर उसके बाद फिर से इंसर्ट कमांड लगा दीजिए सर, यस, फिर
फिर से स्टोर, फिर से इंसर्ट, और अब देखिए क्या हो रहा है सर, हमारे पास एक सेप आ गया ना, 1 2 3 4 के हमारे पास सेप्स आ गए ना। तो इस तरह से ये काम करता है कि आपको जैसे कि सीलिंग्स का डिजाइन करना है ना, तो उसमें वेवल और सॉरी इंसर्ट वेवल एक्सट्रूड इनके हेल्प से आप बहुत काम कर सकते हैं।